hello everyone you are welcome to best notes tutorial in this video we are going to talk about shashi deshpande and her works we will be talking about the list of the work and publication dates and later we will be doing some discussion over her works shashi deshpande she was born in 1938 and she is indian novelist she has written uh, seven novels uh, she has also got uh, sahitya, Kadmi Unko sahitya akadmi award on course sahitya Akademi award उन्हें मिला इफ़ यू टॉक अबाउट लेटर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सो शी पब्लिश हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ इन 1978 तो so, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है कि 1978 में उनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़ हुआ था पब्लिश और फर्स्ट नावल जो उनकी थी वो थी आपकी द डार्क होल्ड्स नो एरा और ये पब्लिश हुई थी आपकी नाइनटीन एटी में शिवान साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर द नावल दैट लॉन्ग साइलेंस इन 1990 एंड पद्मश्री अवार्ड इन 2009 उन्हें पद्मश्री और साहित्य अकादमी अवार्ड दोनों मिले हैं साहित्य अकादमी किसके लिए मिला उन्हें दैट लॉन्ग साइलेंस और जो आपका दैट लॉन्ग साइलेंस है इस वर्क को मैं आपको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग हर नावल शेडो प्ले वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर हिंदू लिटरेरी प्राइज़ 2018, 2008, एटीन सॉरी टू फोर्टीन uh, में उनका जो वर्क है वो पब्लिश हुआ था एंड शशि देश पांडे हैज़ रिटन फोर चिल्ड्रन बुक्स फोर चिल्ड्रन बुक भी लिखी है उन्होंने और उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं एंड नाइन नावल्स सॉरी इट वॉज नॉट सेवन इट वॉज नाइन नॉवल्स शी हैज रिटन एंड शी हैज़ रिटन ऑल्सो सम एसेज शी ऑल्सो रिजाइन फ्राम हर पोजिशन ऑन द साहित्य अकादमी जनरल काउंसिल एंड रिटर्न हर साहित्य अकादमी अवार्ड अपना साहित्य अकादमी अवार्ड भी उन्होंने रिटर्न किया था 2015 बिकॉज शी वाज़ गिविंग आफ्टर गिविंग अ लेक्चर एंड शी आल्सो गेव अ लेक्चर ऑन यू नो हिंदू नेशन थ्योरी तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने उससे पहले इसके अगेंस्ट में उन्होंने अपना साहित्य अकादमी अवार्ड भी लौटाया था वर्क्स द डार्क होल्ड्स नो टैरा उनके वर्क्स की लिस्ट देख लेते हैं नाइनटीन एटी इफ आई डाई टूडे नाइनटीन एटी टू 83 meant Come Up and Be Dead. Next is Root and Shadows. That, Long Silence. a very important work hai in ka, 1989. The Intrusion and Other Stories. A Matter of Time. The Binding Wine. Small Remedies. Moving On. The Country of Deceit. 2008. Shadow Play. Uh, children's Books. Uh, which we talked about earlier. Charunki unki Children Book. Thi. Uh, summer Adventure. द हिडन ट्रीजर दी विटनेस द नारायणपुर इंसिडेंट एंड मेमो लेसन टू में द डार्क होल्ड्स नोट एरा इसके बारे में देखते हैं द डार्क होल्ड्स नोट एरा इज एन इम्पोर्टेंट नॉवल बा शशि देश पांडे एंड इंडियन वुमेन नॉवलिस्ट दिस नॉवल एक्सप्लोर द ट्रामा ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन हु हैज कम अ ट्रैप इन दिल डोमिनेटेड सोसाइटी तो यहाँ पे स्टोरी किसके बारे में है एक मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन के बारे में है जो खुद को एक ट्रैप्ड पोजिशन में फील करती है मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में देश पांडे पिक्चराइज हैन एंड वुमेन कैरेक्टर्स एज द विक्टिम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी और जो मैन एंड वुमेन है दोनों को विक्टिम ऑफ मॉडर्न सोसाइटी शो किया गया है द डाक होल्ड्स नो टैर नरेट्स द स्टोरी ऑफ अ मैरिज ऑन द रॉक्स द प्रोटैगनिस्ट सरिता इज़ अ सक्सेसफुल लेडी डॉक्टर यहाँ पे क्या है कि प्रोटैगनिस्ट का नाम या ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है उनका ऑक्यूपेशन क्या है लेडी डॉक्टर थी द डिस्क एंड डिसल्यूजनमेंट ऑफ द एजुकेटेड वुमेन इन अ ट्रेडिशन बाउंड इंडियन सोसाइटी इज द थीम ऑफ द नावल और जो डिस्यूजमेंट है एक एजुकेटेड वुमेन का वो इंडियन सोसाइटी में मीन्स जो चीज ट्रेडिशन बाउंड इंडियन सोसाइटी है वो ही इस वर्क की थीम है ब्यूटिफुल नावल रिफ्लेक्टिंग वुमेन्स सफरिंग एंड सर्वाइवल और वुमेन का जो सफरिंग है और सर्वाइवल है उसको इसमें पोट्रेट किया गया है सरु द प्रोटैगनिस्ट हैज़ बीन ट्रोलिंग हार्ड टू फाइंड प्लेज़र और जो नेक्स्ट जिसमें प्रोटेगनिस्ट है वो है आपका सरु फर्स्ट इट ऑल बिगिन विद वैन शी वॉज अ चाइल्ड अ गर्ल एंड इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर हर मैरिज और ये जो उसकी कहानी है वो चलती जाती है सरु एक्चुअल में uh, नॉट सेकेंड वन सरु एक्चुअल में पटेगनिस्ट का शॉर्ट नेम है क्योंकि उसका नाम है सरिता सो so, उसका शॉर्ट नेम सरु हो जाता है अ गर्ल चाइल्ड एंड इट कंटिन्यूड इन इवन आफ्टर हर मैरिज और ये उनकी मैरिज तक भी चलता रहता है द टिपिकल इंडियन मैरिटल बॉन्ड वेर अ हजबेंड कैन नॉट टॉलरेट इफ हिज़ वाइफ आउट शाइस इफ शी इज ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली और एक टिपिकल इंडियन मैरिटल बॉन्ड जिसे उन्होंने अपनी तरफ से शो किया है जहाँ पे कि हस्बैंड ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसकी जो वाइफ है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाए और वो क्या करे ब्रेड विनर बन जाए फैमिली के लिए मीन्स पति से ज़्यादा कमाना शुरू कर दे सो दिस इज द स्टोरी ऑफ द वर्क द एडिशन टू द इन द एडिशन टू दैट द स्टोरी लाइन हैज़ अ बिल्डिंग्स रोमन डिवेलपमेंट बिल्डिंग्स रोमन जो टर्म है ये आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका एक साइकोलॉजिकल जो डिवेलपमेंट होता है वो शो किया जाता है एज द सेंस ऑफ इट लाइज इन दिस साइकोलॉजिकल एंड मॉरल ग्रोथ फ्रॉम हर चाइल्ड हुड टू एडल्टुड ये इसमें डिस्क्राइब किया जाता है शी हैज़ द एक्सपेक्टेशन दैट आफ्टर हर मैरिज हर लाइफ वुड टेक अ डिफरेंट टर्न एटलीस्ट द ट ऑफ हर मदर वुड नॉट बी देय और वो ये सोचती है कि उसकी मदर जो टॉन्ट करती है वो उससे उसे छुटकारा मिलेगा सो so, जब भी हम एक वर्क पढ़ेंगे तो उसमें पटेगनेक्स्ट एटलीस्ट याद रखिए पब्लिकेशन डेट याद रखिए और थीम याद रखिए वर्क की जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें याद रहे इफ़ आई डाई टुडे इफ आई डाई टुडे इज एन इंसाइसिव एंड कंपेलिंग पिक्चर ऑफ मर्डर एंड व्हाट इट डज टू कम्युनिटी तो ये एक पिक्चर ऑफ मर्डर है गुरु एंड एंड स्टेज कैंसर पेशेंट गुरु जो है वो एक कैंसर पेशेंट है कम्स टू अ

Which spreads a pall of uneasiness over the doctors and triggers a chain of events that leads to catastrophic result. And वहां जो है, में क्या है? तरह कर देता है, है Rumors start to fly. Old tensions and rivalries between colleagues and friends resurface, and every family on the campus is caught on in a web of suspicion. और वहाँ पे जो रूमर्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं फैलने और जो कलीग्स थे फ्रेंड्स थे उनके जितने भी बातें होती हैं एक दूसरे के बारे में वो सरफेस uh, पे आती हैं और फिर उनके बीच में uh, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं और इसी कन्फ्यूज़न में विद इन वीक्स टू पीपल डाई इन मिस्टीरियस सर्कमिस्टांसिस एंड इट सीम्स दैट लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन फॉर द डॉक्टर्स एंड देयर फैमिलीज और उन्हें ऐसा लगता है कि जो दो डेथ वहाँ पर हो जाती हैं कैंपस में उन्हें लगता है कि अब उनकी जो लाइफ है वह दोबारा से पुरानी तरह से नहीं होगी कम अप एंड बी डेड नेक्स्ट वर्क है कमअ एंड बी डेड इज अस्ट्री थ्रिल थ्रू द सिंपलिस्टिक नरेटिव मेक्स यू वन द मैनी टाइम्स वेद अ इट इज वन एट ऑल ये एक मिस्ट्री uh, थ्रिलर है और सिंपलिस्टिक नैरेटिव uh, में बनाया गया है और कई बार इसमें ऐसी फीलिंग आती है कि कई सारी स्टोरीज इसमें जुड़ी हुई है वन इज़ ऑलमोस्ट इन्फ्लुएंस्ड इन टू थिंकिंग दैट द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वुड बी कश्मा तो ये uh, कश्मा या क्षमा इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दैट हैड मिनिस्टर ऑफ गर्ल्स स्कूल ये जो हैड मिस्ट्रेस uh, है गर्ल्स स्कूल की uh, और वही इसकी क्या है प्रोटैगनिस्ट है शी इज़ यंग Competent and also incorporates the usual conceived traits of successful women, which includes being reserved, aloof, uh, to the point of cruelty. One realizes the extent of uh, insensitiveness when she doesn't flinch from asking her psychologically ill brother to leave the school and thus save her career as the headmistress. Here, the whole story. Uh,

confusion you can say there are so many uh, incidents are happening at the same time but you should know the protagonist name and uh, their works and their you can say kshama was uh, head, uh, head mistress so head mistress hai? Uh, kshamas hai or kshama hume Bas itna yaad hai in short because uh, if we'll go too long in the same work it will take lots of uh, time शॉर्ट uh, में आपको सारी चीज़ें याद रखनी है दैट लॉन्ग साइलेंस द नावल दैट लॉन्ग साइलेंस डिराइज इट्स टाइटल फ्राम स्पीच मेड बाई एलजबेथसन रॉबिन टू द डब्ल्यू डब्ल्यू एस एल नाइनटीन जीरो सेवन अपार्ट फ्रॉम ऑफ दिस स्पीच फॉर्म्स द एपिग्राफ ऑफ द नावल तो जो दैट लॉन्ग साइलेंस है ये टाइटल कहाँ से आया एजबे रॉबिन uh, की स्पीच से लिया गया है और इसमें जो स्पीच थी वो ये थी आपकी If I were a man and cared to know the world I lived in, I almost think it would make me a shade uneasy. The weight of that long silence of one half of the world. So yi say that long silence. title. The phrase that long silence in the third line becomes the base of the novel. Or the base of the novel. The phrase in the novel's title refers to the silence of the main character. जिया कुलकर्णी नी मेंटेन साइलेंस थॉर आउट हर लाइफ इसमें जो जिया है वो क्या करती है लाइफ टाइम साइलेंस रहती है कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में कका द फीमेल मैट्रिया ऑफ़ द फैमिली एंड इंदू उस ग्रैंड फादर ओल्ड अंकल इंद उस ग्रैंड ग्रैंड फादर्स कजिन सेकेंड जनरेशन में नर्मदा अच्छा इंदूज आंट अनंत काका uh, काका इंदूज़ अंकल एंड गोविंद इंदूज़ फादर माधव काका एंड सुमित्रा काकी इंदूज आंट एंड अंकल सो काका एंड काकी यूजअली कॉल फॉर आंट एंड अंकल ये चाचा चाची के लिए यूज़ होता है एंड विनय काका एंड कामला काकी सुनंदा आत्या एंड वसंत का काका सरोजा एंड थर्ड जनरेशन में इंदू नरेंद जयंत हेमंत sumant Padmini, sharad sunil lata geeta and vithal at uh, fourth generation is there vishwa sanju themes are marriage joint family system infidelity class and uh, caste relations feminism and modernism we have already made that long silence in detail so we can uh, you can check out on channel a haunting a haunting new collection of uh, short stories फ्राम वन ऑफ इंडियाज़ मोस्ट अक्लेम राइटर्स शशि देश पांडे तो अहांटिंग जो है बेसिकली एक कलेक्शन है शॉर्ट स्टोरीज़ का इन हर न्यू कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एक्सप्लोर वर्ल्ड डार्क इंड बाय द डिस्पेयर एंड अनहैप्पीनेस ऑफ वुमेन ट्राइंग टू ब्रेक आउट ऑफ प्री डिफाइंड रोल्स और अहाउंटिंग जो है वो बेसिकली वुमेन के लिए है जो कि प्री डिफाइंड रोल्स को क्या करना चाह रही हैं ब्रेक करना चाह रही है इन सोसाइटी And there is uh, the newly married protagonist of this title story, whose self-respect and uh, sense of self, re-violated by her crass and insensitive husband, the wife who finds herself involved in an affair because of her husband's indifference. the the mother who tries to force the relationship with hostile daughter.

द फोकस इज़ ऑन इम्पैक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ अ मेल कैरेक्टर गोपाल हु लिव्स हिज फैमिली यहाँ पर जो लिखा है वो गोपाल इसमें क्या है प्रोटेग्निस्ट है आपका और मेन कैरेक्टर है द इंडियन वुमेन हैज़ फोर ईयर्स बीन साइलेंट सफ़रर और यहाँ पर एक वुमेन है जो कि क्या करती है चार साल तक साइलेंटली सफ़र करती है वाइल शी हैज़ प्ले डिफरेंट रोल्स एज अ वाइफ मदर सिस्टर एंड डॉटर शी हैज़ नेवर बीन एबल टू क्लेम हर ओन इंडिविजुअलिटी और उसने अपना चार तरह के रोल निभाए लेकिन उसमें वो अपना क्लेम uh, नहीं कर पाती अपनी इंडिविजुअलिटी को इन अ मैटर ऑफ टाइम कल्याणी इमर्जेस एज द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर तो जो कैरेक्टर है वो है आपकी कल्याणी पावरफुल कैरेक्टर इन द नावल ह्यूमन रिलेशनशिप इज़ द मेन थीम ऑफ दिस आउट स्टैंडिंग नावल द मैटर ऑफ टाइम डील्स विद द डायलमा ऑफ वाइफ डिसर्सन नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग वाइन दी नरेटर इन दी बाइंडिंग वाइन इज क्लैव शार्प टंग उर्मी यहाँ पे जो कैरेक्टर है मेन है आपके उर्मी ग्रीविंग ओवर द डेथ ऑफ हर बेबी डॉटर उनकी डॉटर की डेथ हो जाती है सराउंडेड बाय बट रिवफिंग द केयर ऑफ हर मदर एंड हर चाइल्डहुड फ्रेंड वाना तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपकी वाना जो कि उर्मी की क्या है फ्रेंड है इंस्ट शी बिकम्स कॉटअप इन डिस्कवरी ऑफ हर लॉन्ग डेट मदर इन लॉज पोइट्री रिटन वैन शी वॉज अंग सब्जेक्ट

हताश व्यक्ति है वो बाहर निकल सकता है और ग्लिमरिंग ऑफ होप को शो किया गया है द बाइंडिंग वाइंग इज़ अ फेमिनिस्ट नावल ये एक फेमिनिस्ट नावल है दैट एक्सप्लिसिटली टॉक्स अबाउट सेक्स इट्स अबाउट मैरिटल रेप एंड द रेप ऑफ यंग गर्ल यहाँ पे मैरिटल रेप को uh, दिखाने की कोशिश की है या उसको पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है इट इज़ एन एप टाइटल एज वुमेन आर बाइंडिंग वाइन्स ऑफ फैमिलीज और जो वुमेन हैं वो माइंडिंग वाइंस हैं फैमिलीज़ की द आल्सो ऑल्सो द फैक्ट दैट वुमेन आर द साइलेंट सर्वाइवर इन स्पाइट ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर लाइफ वांट्स एंड नीड्स स्मॉल रेमेडीज़ स्मॉल रेमेडीज इज़ अ नावल बाय इंडियन ऑल्सो शशि देश पांडे पब्लिश इन टू थाउजेंड जो स्मॉल रेमेडीज़ है ये टू थाउजेंड में पब्लिश हुई है मधु अ लॉस्ट अ ड्यू टू दी इंसिडेंट ऑफ दी 1992 Ayodhya Babri Masjid बाबरी मस्जिद बॉम्बिंग तो यहाँ पे क्या है आपका 1992 में जो अयोध्या बाबरी मस्जिद वाला केस था उसमें उनके बेटे की क्या हो जाती है डेथ हो जाती है टू रिकवर मधु ट्रेवल्स टू अ टाउन टू राइट अबाउट सावित्री बाई अ वुमन दैट डिसाइडेड टू लीव हर हसबेंड एंड मूव ओवर टू अनदर सिटी टू परस्यू हर पैशन ऑफ म्यूजिक एंड स्टार लिविंग विद मुस्लिम लवर एंड अ कम्पोनेट्स तो यहाँ पर वो मधु के बारे में लिखती है जो कि मधु जो होती है वो अपना जो से रिकवर करना है अपने अपनी लाइफ से अपने सन के डेथ से उसे रिकवर करना है वो दूसरे दूसरे सिटी में जाती है टाउन में जाती है वहाँ वो सावित्री बाई सावित्री बाई के बाई के बारे में लिखती है और जो सावित्री बाई है वो शी uh, leaves हर हस्बैंड वो अपने हस्बैंड को छोड़ के चली जाती है दूसरे सिटी में और अपना पैशन वहाँ पर वो फॉलो करना चाहती है While writing राइटिंग अबाउट सावित्री बाई एंड लिविंग इन भवानीपुर शी सर्चेस फॉर द ट्रू मीनिंग ऑफ हर लाइफ एंड ट्राइज टू कम टू टर्म्स विद grief ग्रीफ ओवर son's डेथ और धीरे uh, धीरे वो जो उसका दुख है अपने बेटे की डेथ का उससे बाहर आ जाती है शशि देश पांडे is नॉवल इज़ अबाउट द सीक्रेट लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन Who love, hate, plot, and debate with the intensity that will absorb every reader. And this, it is a story that begins conventionally enough with a woman's discovery of her father's diary. So basically, you can remember the name uh, protagonist Madhu and uh, a short thing about this work. In moving on, in moving on, uh, Shashi Deshpande explores the story type stereotypes uh, of family.

she writes about ordinary people about their loneliness, their emotions, their agony, their helpless uh, situations in life ना uh, वो जो लिखती है देवियानी usually uh, लोगों के ordinary जो लोग हैं उनके उनके life के बारे में लिखती है देवियानी chooses to live alone in a small town of ranch nur is rajnur आफ्टर हर पेरेंट्स डेथ इग्नोरिंग एंड जेंटल वॉइस डिसअप्रूव ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स और वो एक छोटे से टाउन में चली जाती है टीचिंग इंग्लिश वहाँ पर वो इंग्लिश टीच करती है क्रिएटिंग अर गार्डन एंड मेकिंग फ्रेंड विद रानी जो दूसरे करेक्टर हैं रानी और फॉर्म अक्ट्रेस हु सेटल्स से इन्स टाउन विद हजब एंड थ्री चिल्ड्रेन देव यानीज लाइफ इज ट्रेंकुलवाइट विद हार्ड वॉन इंडिपेंडेंस और वो एक तरह से उसे इंडिपेंडेंस वहाँ पर मिलती है दैन शी मीट्स अशोक चिनप्पा वहाँ पे अशोक चिनप्पा से मिलती है रजनोर्स न्यू डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड दे फॉल इन लव डिस्पाइट इन दिफेक्ट दैट अशोक इज़ मच ओल्डर मैरिड एंड एज बोथ पेनफुली एक्नोलेज फ्रॉम वेरी बिगनिंग इट इज़ आर रिलेशनशिप विदाउट अ फ्यूचर और उनका जो रिलेशनशिप है विदाउट अ फ्यूचर है और अशोक चिनप्पा जो है वो रिलेशनशिप में होता है देवयानी के शेडो प्ले आरू एंड रोहित गेट मैरिड एंड सेटल्ड इन टू अ लाइफ ऑफ वर्किंग कपल इन अ बिग सिटी यहाँ पर जो स्टोरी है शेडो प्ले में वो आर ओ और रोहित से रोहित की है आर ओ इ्टिल कमिंग इन टर्म्स विद हर मदर सुमी स्टेथ रोड एक्सीडेंट एंड हर फादर गोपाल डिससन ऑफ द फैमिली प्रायर टू दैट रिमेन्स दस दैट बाइंड द लाइफ्स ऑफ हर सिस्टर एंड हर आंस तो यहाँ पे आर ओ और रोहित की स्टोरी है बट ट्रेजिडी स्ट्राइक्स द फैमिली अगेन in the form of devastating act of terrorism and heinous crime, aru has to face some of her life's toughest moments. children books, uh, some of the children books we have gone through already, and the next one is narayanpur incident, set in 1942 during the quit india movement. अब कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कुट कुट इंडियन मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा उनका वर्क है तो, तो ये नारायणपुर इंसिडेंट है नारायणपुर इंसिडेंट प्रेजेंस एंड इंट्री अकाउंट ऑफ अ ट्रिबुलेंट सिचुएशन दैट शुक एट पीस टाउन ऑफ पीसफुल टाउन ऑफ नारायणपुर नारायणपुर की जो पीसफुल टाउन था उसके बारे में है समरी ऑफ़ द बुक गांधी जी वान्ट वॉन्ट द ब्रिटिश टू कुट इंडिया ऑन एट्थ ऑफ द अगस्त नाइनटीन फोटी एट दि नारायणपुर इंसीडेंट इज़ सेट इन द डेज़ ऑफ ब्रिटिश रास द स्टोरी बिगिनस ऑन ऑक्टोबर ऑगस्ट एट नाइनटीन फोर्टी टू वैन द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज़ पासड इन बॉम्बे बाबू एंड मंजू लॉन्ग टू जॉइन द फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पे जो बाबू एंड मंजू हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी फ्रीडम स्ट्रगल को जॉइन करें सो दिस इज़ अ स्टोरी एंड हियर आर द कैरेक्टर्स बाबू एंड मंजू

ये आपकी दैट लॉन्ग साइलेंस द दीगेसी इज़ अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन बाय शशि देश पांडे इन विच नावल ऑफ शशि देश पांडे द हीरोइन लिव्स होम अनेबल टू बियर द एनिमल लाइक बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड इन बेड सो ये है आपका द डार्क होल्ड्स नो एरा उसमें आपका ये स्टोरी है कि जो हीरोइन है वो चली जाती है अपने हस्बैंड के बिहेवियर की वजह से देश पांडेज स्टोरीज मेनली डील विथ जो देश पांडे की स्टोरीज हैं वो किससे मेनली किससे डील करती हैं सो इट्स वूमेन्स स्ट्रगल इन विच नावल ऑफ शशि देश पांडेज द प्रोटेगनेस स्टार्टिड लिविंग विद हर मुस्लिम लवर हर अकम्पनी ऑन तबला स्मॉल रेमिडीज विच कैरेक्टर ऑफ शशि देश पांडे बिकम्स अ फेमस डॉक्टर यहाँ पे जो फेमस डॉक्टर जो उसका कैरेक्टर है शशि देश पांडे का वो कौन है सो शिव सरिता विच इज द फर्स्ट नावल रिटेन बाय शशि देश पांडे द डार्क होल्ड्स नो टेरा उनकी फर्स्ट नावल है विच ऑफ द लास्ट एंड द मोस्ट सेटिस्फाइंग नावल ऑफ शशि देश पांडे स्मॉल रेमिडीज हु इज द नैरेटर ऑफ नॉवल द डार्क होल्ड्स नो टेरा सो शिव सरू या सरिता सो विद दिस वी एंड दिस सेशन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो